हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा 5 जुलाई को 7वीं जमात का गणित का बाई मंथली टैसट वो शेड्यूल्ड हैगा आ हूँ जा रहा है। तो अज असी करांगे फटाफट दोहराई जो कि अप्रैल ते मई मंथ के सिलेबस के उपर बेस्ड है। असी दोहराई करांगे वर्कशीट्स तो जो सानू साडे डिपार्टमेंट वालों भेजी गई हैं। तो शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 1 तो। तो वर्कशीट नंबर 1 दे भी साढ़े कोल हैगा आ संपूर्ण संख्यावां नाल संबंधित। तो ये है कि सानू -4 अते -6 नूं -4 अते -6 नूं संख्या रेखा ते दर्शाओ। असी पहला संख्या रेखा बनावांगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। सानू पता कि संख्या रेखा के उपर ऋणात्मक संख्यावां जिहड़ियां है वह हमेशा 0 के खब्बे पासे दर्शाईयां जांदियां हन ते जिहड़ियां धनात्मक संख्यावां ने वह 0 के सज्जे पासे दर्शाईयां जांदियां हन। 1 2 3 हुण सानू संख्या रेखा के उपर ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈ? -4 ਅਤੇ -6 -4 ਅਤੇ -6 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਦਰਸਾਓ। इसका मतलब कि ऋणात्मक 4 है असी 0 तो खब्बे पासे 4 स्टेप चाहवांगे -1 -2 -3 -4। इसका मतलब संख्या रेखा के उपर -4 इस तरीके दर्शा सकते हैं या फिर असी इस तरीके भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद -6 नूं दर्शाना है। -6 है इस तरीके दर्शा सकते हैं या फिर इस तरीके नाल भी असीं दर्शा सकते हैं, मतलब 0 तो -6। उस तो बाद जे सानू धनात्मक संख्या बारे दिखाया जाए कि 3 नूं दर्शाओ, 3 कि दर्शावांगे धनात्मक। तो यह साडा पहला सीगा ए पार्ट। पी पार्ट हैगा आ 3 अते -7 नूं संख्या रेखा ते दर्शाओ। सो 3 नूं तुसीं दर्शाई दित्ता है, -7 की होएगा? -6 तक सीगे असीं आ रहे, और -7 नूं भी संख्या रेखा दे उपर असीं दर्शा सकते हैं। तो ऐसे तरीके दे नाल तुहाडे लई होमवर्क है -5 अते 0 संख्या रेखा तो दर्शाओ, 5 अते -7 नूं दर्शाओ, 6 अते -8 नूं संख्या रेखा के उपर दर्शाना है। राइट, उस तो बाद है खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरने हैं। पहला यह है कि -8 जमा -4 कितना होएगा? तो पहले पर लिख लेने थे कि आप करना है -8 जमा -4। दूसरी खाली स्थान है 7 जमा -10। तीसरी खाली स्थान है 36 जमा -52। चौथी है -3 जमा -7 -19। -3 जमा -7 -19।
तो यह तीसरा है 36 जमा माइनस 52 तो माइनस माइनस 36 है। खाली स्थान असि की करना है, सब तो पहला असि देखांगे कि साढ़े को संख्या ने इन्हां दा चिन्ह कहड़े लगे हुए हैं। असि देखते जो साढ़े को पहला पार्ट दिता है उसके दोनों ही संख्यावां दे नाल ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। जे असि इस नूं संख्या रेखा दे उपर दर्शाने हैं तो असि की करते हैं, पहला माइनस 8 तक गए, ठीक है, 0 तो माइनस 8 तक, उस तो बाद असि 4 कदम होर खब्बे पासे जावांगे तो की हो जाएगा माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12, तो माइनस 12 जिहड़ा उत्तर आएगा। एक होर है कि जे दो साढ़े को संख्यावां दित्तियां होन ते चिन्ह समान होवे दोनों दा विच होवे जोड़ दा निशान, फिर हमेशा संख्यावां दा जोड़ होएगा ते चिन्ह जिहड़ा आ उही लगेगा जो दोनों संख्यावां दे नाल लगा आ समान चिन्ह। जे दोनों संख्यावां दे नाल समान चिन्ह प्लस दा लगा आ जुड़ात्मक है तो उत्तर जुड़ात्मक आएगा, जे दोनों ऋणात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। इस गल का ध्यान रखना है। हम इतने की है 8 जमा 4 12, दोनों के चिन्ह समान है ना, इसलिए आप इसको जोड़ कर लिया, चिन्ह कड़ा लगेगा, चिन्ह लगेगा ऋणात्मक। सैकेंड पार्ट है 7 जमा माइनस 10, हम दोनों ही संख्यावां दे चिन्ह अलग हैं, जब चिन्ह अलग हैं इसका मतलब की है कटाव होएगा, तो दसा दे विचों 7 कटाए किन्ने आए 3, हुण दसो कि संख्या 7 वड्डी है कि 10 वड्डी है, आपां चिन्ह कोल जाणा हजे, संख्या 10 वड्डी है ना, तो 10 नाल किहड़ी चिन्ह लगी सी, चिन्ह लग्गिया आ माइनस दा, इस करके जो असीं लिखांगे ना उत्तर 10 चों 7 कटे 3 तो चिन्ह लगूगा माइनस दा। जे आपां इसनूं संख्या रेखा वांग चलीए और भी ईजी है, गया पहला माइनस 10 तक पहुँच गए, हुण क्योंकि 7 धनात्मक हैगा आ तो आपने किस पास जाना है या सज्जे पास में वापस मुड़ जाओ, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 असी आगे रुक जाना है, वो सारा उत्तर आ गया। उस तो बाद 36 जमा माइनस 52 माइनस माइनस 36, हम देखो इतने बड़े बड़े ध्यान न समझा वाली गल है कि इतने 36 है जमा माइनस 52, पहली गल तो जो जमा बन की गल करते तो यह धनात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 52, जो धनात्मक की ऋणात्मक ना गुणा होती है तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक की धनात्मक के ना गुणा होगी तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक करेगा। हम इतने की है जमा का 36, पहले इन विस्तार लिख लें आप 36, हूँ जमा का 1 गुणा माइनस 52 माइनस 52 माइनस का 1 गुणा माइनस 36 माइनस 1 गुणा माइनस ना हुई कि आया उत्तर प्लस दे विच प्लस 36। उदा तो तुसी इस तरीके कर सकते हैं कि 52 चो 36 घटाते उस तो बाद 16 आ गया नाल ऋणात्मक चिन्ह लग गया है या फिर उस तो बाद 36 दे नाल उसनों हल करने की कोशिश की है। बोला बेस्ट तरीका यह है कि जो समान चिन्ह वाले है ना उन्होंने इकट्ठे कर लो, पहला 36 जमा 36 72 माइनस 52 उत्तर किन्ना आया, उत्तर को आया 20। उस तो बाद माइनस 3 जमा 7 जमा माइनस दे होंगे, इन्हें भी इस तरीके लग सकते हैं माइनस दे 3 जमा दे 7 प्लस गुणा माइनस माइनस प्लस गुणा माइनस या माइनस गुणा प्लस हमेशा उत्तर माइनस विच होएगा, ठीक है। सो इतने भी उस तरीके माइनस वाले माइनस इन्हें जोड़ कर लो माइनस 22 माइनस दे 22 जमा दे 7 उत्तर आ गया माइनस दे 15 किवें आया, दोनों के चिन्ह बखरे बखरे हैं, चिन्ह बखरे हैं इस करके संख्यावां दा घटाओ होएगा ते नाल चिन्ह वो लगेगा जो वड्डी संख्या यानी 22 नाल लगा होया है, ठीक है, माइनस 22 दा उत्तर आ गया है। इसको तुसीं नोट डाउन कर लो, उस तो बाद असीं नैक्सट करते हैं।
गुणनफल पता करो। गुणनफल पता करने दे रहे की करेंगे अपने को रह गया माइनस 55 गुणा 15 उनकी ये पद देखते हैं कि एक ऋणात्मक संख्या है दूसरी धनात्मक संख्या है विच गुणा का निशान है। मतलब जो भी माइनस वाली संख्या दी गुणा प्लस वाली संख्या ना होगी उत्तर हमेशा माइनस दे विच आएगा, उत्तर हमेशा माइनस दे विच आएगा, ऋणात्मक होएगा। भावें असी इस तरीके लिख लीए जहाँ साढ़े को संख्या इस तरीके बदलती होगी धनात्मक गुणा ऋणात्मक भी उत्तर ऋणात्मक ही आएगा। तो इस गल का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो आप गुणा की गल करते हैं जदों दोनों ही चिन्ह बखरे बखरे हो संख्यावां दे उत्तर हमेशा ऋणात्मक आना है, ठीक है। तो जदों दोनों ही चिन्ह समान हो दोनों धनात्मक हो भी उत्तर धनात्मक, दोनों ऋणात्मक हो भी उत्तर धनात्मक, आ चीज भी ध्यान रखनी है, राइट। हम 15 × 5 = 75 अगेन 15 × 5 = 75 75 + 7 = 82 हम ऋणात्मक की गुणा धनात्मक 15 ऋणात्मक की गुणा धनात्मक उत्तर ऋणात्मक आएगा, इतने उत्तर लिखेंगे -825। अगला सवाल है -7 × -18 -7 × -18 ये करना सी। देखो सेम जो असी माइनस दी गुणा माइनस के नाल करिए उत्तर साडा हमेशा धनात्मक होएगा, धनात्मक की गुणा धनात्मक नाल करिए भी उत्तर साडा हमेशा धनात्मक होएगा। इस गल का ध्यान रखना है, आ चार जो रूल्स है 4 rules है तुसी शुड कीप इन योर माइंड। जो तुसी सवाल करने है ऑटोमैटिकली ये थोड़े दिमाग के उस वेले स्ट्राइक कर देना चाहिए है जो फॉर्मूले है, राइट। सो माइनस की माइनस का गुणा हुई उत्तर प्लस में आएगा, माइनस की माइनस का गुणा हुई उत्तर प्लस में आएगा। हूँ 18 सत्ते कि होंगे है 18 सत्ते दसो कि 126 उत्तर आया 126। हूँ अगला सवाल साढ़े को है -4 × -3 − -2 सी पार्ट -4 × -3 − -2 इसमें असं बहुत ईजी वे हल कर सकते हैं। पहले मैं दोनों हल कर लूँ, माइनस की माइनस ना गुणा हुई माइनस की माइनस ना गुणा हुई माइनस की माइनस ना गुणा हुई उत्तर प्लस दे विच आएगा, प्लस दे विच। इसका मतलब 4 × 12 चिन्ह प्लस का लग गया, इतने से लगाइए ना लगाई थोड़ी मर्जी है, मैं सिर्फ थोड़े रेफरेंस वास्ते लगा रहे हैं, ठीक है। गुणा आ रहा उसके अपने माइनस हूँ देखो धनात्मक की जो ऋणात्मक ना गुणा होंगी है धनात्मक की जो ऋणात्मक ना गुणा होंगी है फिर उत्तर की आता हमेशा हमारे को ऋणात्मक। सो असं सुन सकते हैं 12 × 24 तो उत्तर आएगा ऋणात्मक -24। ये नाल दे सवाल तुसी आपे ही करने हैं, अपने आप को आप रकम दे के संख्यावां जिहड़ियां लिख के आप हल करने की कोशिश करनी है। उस तो बाद डिवाइड की गल करते हैं, भागफल भी नहीं कि इदा ही जो है चिन्हों का असं ध्यान रखना है, बाकी इस सवाल कुछ नहीं है बहुत ईजी हैं। भागफल पता करो, भागफल पता करने वास्ते
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -30 ਭਾਗ 10 ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀਰੋ ਨਾਲ ਜੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ -3 ਥੱਲੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੀ ਉੱਪਰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੀ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦੀ ਧਨਾਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਸਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ -3 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਭਾਗ ਜੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੀ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਧਨਾਤਮਕ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਨਾਤਮਕ ਥੱਲੇ ਧਨਾਤਮਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇ ਗੁਣਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਧਨਾਤਮਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ -36 ਭਾਗ -9 -36 -9 ਮਤਲਬ -36 ਨੂੰ -9 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ -36 ਭਾਗ -9 ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈ 9 × 9 ਅਤੇ 9 × 36 ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਪਹਾੜਾ 9 ਆ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 36 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਭਾਗ -5 50 ਭਾਗ -5 ਹੁਣ 50 ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਇਆ ਧਨਾਤਮਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਧਨਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਥੱਲੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਧਨਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 5 × 5 = 0 ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ -10 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 120 ਭਾਗ -6 -56 ਭਾਗ -8 -12 ਭਾਗ 4 ਆਹ 3 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ
जोड़िया जाता है तो सानू एक डैश संपूर्ण संख्या मिलती है। जदों दो ऋणात्मक संख्यावां नू जोड़िया जाता है तो सानू केड़ी संख्या मिलती है? देखो मैं तुम सिर्फ कह रहा, दो ऋणात्मक संख्यावां नू जोड़िया जाए तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक संख्या ही आती है। तो इस करके असं लिखांगे कि जदों दो ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां नू जोड़िया जाता है तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक संपूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। वो संपूर्ण संख्या पता करो जिसका माइनस एक नाल गुणनफल सिफर हो। संपूर्ण संख्या पता करो करना है संपूर्ण संख्या पता करो जिसकी संपूर्ण संख्या पता करो जिसका माइनस एक नाल गुणनफल जीरो हो। सानू पता है कि जीरो यह जी संख्या है कि इस तरह किसी भी संख्या की गुणा करिए तो उत्तर हमेशा जीरो होगा, भावे ऋणात्मक हो भावे धनात्मक हो। सो कोई भी संपूर्ण संख्या जो तो जीरो में गुणा की जाती है तो उत्तर हमेशा जीरो आता है। सो यह उत्तर होगा माइनस एक गुणा जीरो। उस तो अगला है पांच एहो जिया संपूर्ण संख्यावां दे जोड़े लिखो ताकि ए जमा बी बराबर माइनस तीन हो। ए जमा बी माइनस बराबर माइनस तीन हो। संपूर्ण संख्यावां दे जोड़े संख्यावां दे जोड़े लिखो जिन्हां दा जोड़ माइनस तीन हो। मतलब ए जमा बी बराबर माइनस तीन। देखो जे मैं माइनस सात दे विच चार जोड़ दिया ताकि आएगा माइनस तीन है ना, क्योंकि दोनों चिन्ह जड़े है बखरे बखरे है ऐसे कि माइनस सत्त जमा दे चार बराबर है माइनस तीन। अगरों में कब तो इसे तरीके असी माइनस छे जमा दे तीन माइनस तीन माइनस दे 18 जमा दे 15 बराबर माइनस दे तीन। तब तो बाकी तुसी आप करने हैं ठीक है, तीन असी करते बाकी दो तुसी आप पता करने हैं। ये थोड़ा होमवर्क है। उस तो बाद है यार इसी तरह सानू इस तरीके के इंटीजर्स लिखने हैं संपूर्ण संख्यावां लिखने हैं जिमें कि जिमें छे आते माइनस दो का भागफल कितना है माइनस तीन ठीक है। छे आते माइनस दो का भागफल माइनस तीन क्योंकि
धनात्मक की जदों ऋणात्मक का भाग करांगे उत्तर हमेशा ही ऋणात्मक आएगा। जिमें धनात्मक की ऋणात्मक गुणा करते हैं हमेशा ऋणात्मक उत्तर आता है। इस तरीके भागफल के भी जदों भी असी ऋणात्मक की धनात्मक न या धनात्मक की ऋणात्मक के गुणा करिए उत्तर भाग करिए उत्तर हमेशा ऋणात्मक ही आता है। तो इस तरीके से सू पांच जड़े है होर उदाहरण बनाई हैं ता जो साढ़े को उत्तर माइनस से ना रहे। इसका मतलब फॉर्मूला की होया ए भाग बी माइनस बराबर उत्तर साढ़े को जरा है वो माइनस के होना चाहिए है उत्तर साढ़े को होना चाहिए है माइनस माइनस तीन। हम अस की करिए जे एक जगह में 18 लिखते हैं भाग माइनस छे उत्तर कि आएगा माइनस दे तीन। इस तरीके माइनस दे छे भाग दो उत्तर कि आएगा माइनस तीन। देखो हम असी पहला ऋणात्मक छे नूं भाग किया ऋणात्मक दो दे नाल हुण असीं ऋणात्मक छे नूं भाग किया दो तां उत्तर तां सेम ही आया। ठीक है इसे तरीके दे नाल ऋणात्मक 18 नूं भाग कीती 6 नाल तां वी उत्तर माइनस 3 ते बाकी दे दो तुसीं आप करने आ। अगला सवाल हैगा यार खाली थावां भरो खाली थावां भरो। साढ़े कोल खाली थावां भरन लई सवाल हैगे आ। पहला है माइनस 17 नूं किहदे नाल गुणा करिए ते उत्तर 0 आवे। आपां तुहानूं पता है 0 नाल किसे भी संपूर्ण संख्या की जो गुणा करिए तो उत्तर हमेशा 0 हुंदा है। इस तरीके से माइनस 3 की जो 0 का गुणा की जाए तो की आएगा उत्तर 0। उस तो बाद है माइनस 75 की भाग कि करिए कि उत्तर साढ़े को माइनस 1 आए। ठीक है देखो जो असी भागफल 1 लेना है तो दिती गई संख्या उस संख्या का भाग कर दईए। ठीक है मतलब 75 भाग कर दईए तो धनात्मक ना करा असी भाग तो ही माइनस 1 आएगा। जे असी ऋणात्मक ना करा किता फिर की होगा ऋणात्मक की जो ऋणात्मक ना भाग करिए तो उत्तर धनात्मक होता। लेकिन साढ़े को उत्तर कही है ऋणात्मक इस करके असी धनात्मक 75 के इसकी भाग की है। अगला सवाल है हेठ लिखे बक्सिया नूं पूरा करो। बक्से असीं पूरे करने हैं बक्सिया नूं पूरा करो। बक्से भर लेते हैं दिता की होया सू 5 माइनस 4 7 माइनस 2 5 माइनस 4 7 माइनस 2 0 3 0 3
ते माइनस ते कुछ क्लीयर नहीं हो रहा, पर फिर भी देख रहे शायद यही होएगा। तो इस हूँ पूरा करना है, मतलब और दो भरने हैं। देखिए जरा असी माइनस चार जमा के सत्त, या फिर इदा करते हैं स्कीम लगा लें माइनस के माइनस माइनस और माइनस वाली दोनों लाइक टर्म्स जगह कट्ठिया कर लीजिए, ऋणात्मक तो ऋणात्मक दोनों जोड़ के कि आया माइनस के सत्त, माइनस के सत्त जमा के सत्त जीरो, इस उत्तर आया जीरो। इस उत्तर भी जीरो होना चाहिए अपने को, तीन तो माइनस दो एक, हूँ एक तथे कि चाहिए है माइनस एक आ गया जीरो। उस तो बाद इतने जीरो लैके आना है, किमें लैके आवेंगे जीरो, पाँच जमा जीरो पाँच पंजा पाँच घटा दिए जीरो होंगे ना, तो मतलब ऋणात्मक पाँच इतने आ गया माइनस पाँच, इतने आया माइनस एक। ये सवाल तुम आप अपने आप में लेने हैं। तो इस ही साड़ी वर्कशीट नंबर वन जी कंप्लीट हो गई है, तुम इसकी दोहराई करो, एक घंटे बाद मैं एक वर्कशीट होर भेजूंगा, राइट। आप साढ़े को सिर्फ कल दिन है, तो एक दिन के अंदर सारी वर्कशीट्स में रिवाइज करना है। ऑल द वेरी बेस्ट करो, शाबाश, थैंक यू।